किसी ने बर्फ से पूछा कि आप इतनी ठंडी क्यों हो। बर्फ ने बड़ा अच्छा जवाब दिया, मेरा अतीत भी पानी, मेरा भविष्य भी पानी, फिर गर्मी किस बात पे रखूं। क्या इंसान की भी यही स्थिति नहीं है? उसका अतीत भी खाली हाथ एवं भविष्य भी खाली हाथ, फिर घमंड किस बात का। दोस्तों, टेम्पल, मस्जिद और चर्च तीनों में 6 ही अक्षर होते हैं। गीता में 5 अक्षर है और कुरान और बाइबल में भी। लाइफ में 4 अक्षर है और डेड में भी। हेट में 4 अक्षर है और लव में भी। नेगेटिव में 8 अक्षर है और पॉजिटिव में भी। फेलियर में 7 अक्षर है और सक्सेस में भी। बिलो में 5 अक्षर है और एबव में भी। क्राई में 3 अक्षर है और जॉय में भी। एंगर में 5 अक्षर है और हैप्पी में भी। राइट में 5 अक्षर है और रॉन्ग में भी। रिच में 4 अक्षर है और पुअर में भी। फेल में 4 अक्षर है और पास में भी। दोस्तों, अगर विरोधी शब्दों में भी समानता है, फिर अपनों में क्यों नहीं? इस बात पे जरूर चिंतन कीजिएगा।